नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के थाना क्षेत्र अंतर्गत हसुआपारा के दासोती निवासी एक सीआरपीएफ जवान की परेड के दौरान मौत हो गई। गिरीश चंद तिवारी 40 वर्षीय पुत्र जयकरण तिवारी, जो कि सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर भोपाल में विगत 2 वर्षों से तैनात थे, बुधवार को प्रातः 4 बजे की परेड में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान अचानक सीने में दर्द होने लगा। अन्य जवान उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उच्च अधिकारियों ने मौत की सूचना सुबह 5 बजे फोन करके उनकी पत्नी को दी तो घर में कोहराम मच गया। पत्नी शहर के बहराइच के वाक्सीपुरा में अपने बच्चों के साथ रहती है। मां के रोने की आवाज सुनकर बच्चे भी हक्के बक्के रह गए और कारण जानने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। यह सारा नजारा देखकर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और पत्नी को संतावना देने लगे। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक, 1 शेयर और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे अहम बात है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।